भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के किए गए खर्चे को लेकर व्यय की धनराशि की समीक्षा मंगलवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेन और भारत निर्वाचन आयोग से नामित व्यय प्रेक्षक एम समांथा के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान लोकसभा सदर एवं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर प्रत्याशियों ने प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव में खर्च किए गए धनराशि की विवरण दिया गया। नगर और सहायक प्रेक्षक लेखा टीम में लगे हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण और रिजल्ट क्लियर होने करना होता है और 3 दिनों में हम लोग की रजिस्टर में इंस्पेक्शन करते हैं प्रत्याशियों के, तो अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 26वें दिन एक लेखा समाधान बैठक रखी जाएगी। रिपोर्ट होती है सर, इसको तैयार करने में माननीय प्रेक्षक महोदय सहयोग करेंगे सर। सब लोग करेंगे सर कि आज पूरे दिन हम लोग अंतिम लेखा चेक करके और प्राप्त करेंगे सर 10 तक और प्रत्याशी के लेखे को समराइज किया जाता है 3 बार में, उसे हम सर स्कैन करके अपलोड करेंगे और उसके बाद सर फाइनल रिपोर्ट आप जब होते की सबमिट होगी सर। तो ये प्रत्याशी के प्रत्याशी एक सफिशियंट है हाँ सर 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 दोनों आज सर उसमें एफिडेविट है सर ठीक है उसमें प्रत्याशी के ही दस्तखत होने चाहिए वो सब बता दिया गया है पहले और शेड्यूल और जो समरी है कैंडिडेट्स का लेकर उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और शेड्यूल जो 1 से 9 तक पहले था सर और 10वीं अनुसूची जो क्रिमिनल केसेस के जिसका 2 बार 3 बार हमसे पब्लिश करना था उसको लेकर के सर 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। तो सर वो हम लोगों ने जो भाग 6 में एक कथा था पार्ट 7वां हुआ था, भाग 3 में 7वां तालुक जोड़ा गया था और अनुसूची 10 तो सर ये सर कमीशन से आया था, सभी बोर्ड को दे दिया गया था और सब लोगों ने अपने रजिस्टर में उसको चस्पा भी कर दिया। तो सर रिसीविंग हम लोग इनको देंगे लेकिन बाहर चेक करने के बाद सर ये सारे जितने भी वाउचर हैं और शपथ पत्र पर कैंडिडेट के हस्ताक्षर है कि सारी चीज़ें देख करके सर हम लोग आज रिसीव करेंगे हाउस और ये फिर भी जो हम पत्र जितने तक नहीं सबमिट करते हैं तो सेक्शन 10A फिर इलेक्शन कमीशन डिस्कालीफाई करने की कार्रवाई करता है सर।